नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि ये है LPR और ये किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर में लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम है कि वापसी का हेडर है, हेडर से होकर एक वाल्व देकर यहाँ डायरेक्ट सेक्शन में दिया हुआ है जो कंप्रेसर को जा रहा है। ये बाईपास है, बाईपास में यहाँ पर लीकेज कर रहा है इसके ग्लैंड से, देख सकते हैं वो वाल्व है, तो एक ही वाल्व लगा है इसमें और वहाँ से लीकेज कर रहा है। लीकेज वो बंद नहीं हो रहा है, लगता है कि कई सालों से इसमें ग्लैंड पैकिंग जो है इसको फील नहीं किया गया है, इस कारण से उसका ग्लैंड न खुलता है और न ही टाइट होता है, बिल्कुल ही जाम हो चुका है। तो इसमें काफ़ी प्रेशर है और LPR में भी रिसीवर में लगभग पूरा भरा हुआ है, जिस कारण इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। तो इसको हम ठीक करेंगे और कैसे ठीक करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो वहाँ जो तीन वाल्व है, क्योंकि यहाँ पर तीन चैम्बर है तो तीनों के लिए तीन सेक्शन जा रहा है जो इनपुट हो रहा है LPR सिस्टम में, वहाँ से तीनों बंद करके और यहाँ से LPR के ऊपर वहाँ से इसको बंद करके और उसमें का गैस खींचकर ये काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हो सकता है, ये बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो वाल्व है ये सही लगा है कि नहीं, उल्टा तो नहीं लगा है। अगर उल्टा लगा होगा तो फिर पूरे वैक्यूम करना पड़ेगा, अगर ये सीधा लगा होगा तो इसका केवल यहाँ से बंद करके इसका गैस हम खींच लेंगे तो हो सकता है इसका काम चल जाए। तो सबसे पहले ये वाल्व बंद रहता है क्योंकि बाईपास है, तो मैंने चेक किया था वहाँ से बहुत लीकेज कर रहा था और अंदर जो मशीन रूम है बहुत ही मुश्किल हो गया था रहना, इतना गैस लीक कर रहा था। तो मैंने यहाँ से जो मेन वाल्व है LPR का वो मैंने बंद कर दिया है और कंप्रेसर चलाकर इसका गैस खींच लिया है और वहाँ बंद ही है। अगर अब वहाँ मैं चेक करूँगा, अगर वहाँ लीकेज होगा तो समझ लीजिए कि वाल्व उल्टा लगा है, अगर लीकेज नहीं होगा तो समझ लीजिए वाल्व सीधा लगा है। तो मैं वहाँ ये जो सल्फर स्टिक है इसे हम चेक करेंगे और देखेंगे कि लीकेज हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसे वैक्यूम कर लिया है, ये पाइपलाइन बिल्कुल ही वैक्यूम हो चुका है, मैं उसे चेक करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ मैं ऊपर आ चुका हूँ दोस्तों और देख सकते हैं कि मैं जो गंदा का स्टिक है ये मैं जला चुका हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लीकेज नहीं कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें का जो है ये वाल्व सीधा लगा है और यहाँ से इसका कनेक्शन बंद हो रहा है और इधर से चालू हो रहा है, ग्लैंड का कनेक्शन जो यहाँ से इस तरह खुला है तो ये वाल्व ठीक लगा है और यहाँ से अब हम इसका ग्लैंड जो है इसको भर सकते हैं आसानी से। तो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीकेज कर रहा था, आपको वहाँ दिखाता हूँ कि कितना धुआं आ रहा है। चलिए इसे हम ऐसे खोल कर और इसका ग्लैंड पैकिंग को भरते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही जाम हो चुका है तो इसको खोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसे खोल कर और इसमें ग्लैंड को भरते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने स्पेंडल जो है चक्का खोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने ढीला किया है, बहुत टाइट था। बहुत टाइट है ये, लगता है जब से प्लांट बना है तब से इसमें ग्लैंड पैकिंग जो है नहीं भरा गया है, इसलिए इतना टाइट है ये। बहुत ज़्यादा टाइट है, ध्यान रहे दोस्तों कि इस वाल्व से आगे पूरा प्रेशर है और गैस है लिक्विड भी, और इस वाल्व के इधर वैक्यूम है, यानी ये वाल्व मैंने बंद करके वैक्यूम किया है और इसका ग्लैंड से होकर यहाँ तक खुला है, ठीक है। तो ये हो गया आउट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो अंदर का पैकिंग है उसे निकाला जा रहा है और ये काफ़ी सूख चुका है, ये लगभग जब से प्लांट ये चल रहा है तब से ये लगा हुआ है, लगता है कि उसके बाद नहीं लगा है इसलिए थोड़ा ये सूख चुका है। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ता है क्योंकि ये बाईपास है, इसलिए इसको खोलना कसना हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें नहीं लगा हुआ है। एक और होगा अंदर तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। देखिए ये लास्ट है और हैंगर टूट गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर बिल्कुल ही सफाई हो चुका है
और बाहर का भी बढ़िया से सफाई हो चुका है, बूश भी साफ कर चुके हैं और इसका ग्लैंड जो नट है ये भी साफ कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम ग्लैंड पैकिंग जो है इसे भरेंगे। तो इसे फिल करने के लिए यहाँ देखते हैं, ये है ग्लैंड पैकिंग। और पहले इसे माप लेंगे कितना इसके अंदर लगेगा, तो इसके हिसाब से ही हम इसे कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसे कटिंग कर करके छोटा कर करके लगा सकते हैं टुकड़े टुकड़े में, और ऐसे भी आपको इस तरह लगा सकते हैं। तो दूसरा कट भी हम यहाँ है तो थोड़ा लंबा काटेंगे, यहाँ से हम काट लेते हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और निकाल कर तो इसमें हम कंप्रेसर ऑयल थोड़ा डाल दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ही डालेंगे। ये जो मैंने काटा है ये कट ऊपर रख कर और यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह बीच बीच में इसे अंदर इसको प्रेस करते जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर ये आ चुका है, बराबर बैठ गया है, देख सकते हैं। अब हम बूश को लगाएंगे, तो यहाँ देखते हैं कि ग्लैंड नट भी अच्छी तरह अंदर साफ हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा और ऑयल डालेंगे, यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं इसमें बूश के अंदर में। ठीक है, इस तरह इसके अंदर भी हम डाल देते हैं। वैसे आप जिस तरह फील करते हैं उस तरह फील कीजिए, ज़रूरी नहीं कि इतना ऑयल डालना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसे हम टाइट कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो एलपीआर का सेक्शन में जा रहा है, जो कंप्रेसर में जा रहा है, उस वाल्व को हम खोलेंगे। यहाँ से खोलना है, खोलो। तो इसे हम खोलते हैं धीरे धीरे, खोलो धीरे धीरे, बस पूरा पूरा खोल देना है इसको। अब वहाँ से लीक कर रहा है, बस वहाँ लीक कर रहा है, उसको टाइट करो पाइप रेंच लेकर। थोड़ा थोड़ा लीकेज है ऊपर से ग्लैंड से, तो उसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करेंगे तो और लीक कर रहा है, और टाइट करो। जब तक क्लिक करता है तब तक टाइट करते रहो, जब बंद हो जाए रुक जाए, तो क्योंकि ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, मैंने जब लीकेज रुक जाएगा तब हम इसको बंद कर देंगे टाइट करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल ही लीकेज नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप बड़ी आसानी से इस तरह का प्रॉब्लम आए तो ठीक कर सकते हैं और इस तरह का ग्लैंड को भर सकते हैं। मैंने बताया कि इसे बिना वैक्यूम भी इसे किया जा सकता है। ठीक है, आप उधर का हेडर बिना वैक्यूम किए भी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको दिमाग लगाना होगा और चेक करना होगा कि ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल ही लीकेज नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।